अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। क्या दोस्तों आपको अपने जीमेल पे किसी भी बंदे को फ़ोटो शेयर करना है या फिर मेल करना है, और दोस्तों आपको नहीं पता है कि किसी भी बंदे को मेल कैसे करना है? तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि एक प्लस का आइकन आ रहा है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना है और उसके बाद में दोस्तों सबसे ऊपर में आपका मेल आ जाएगा और नीचे में दोस्तों आपको जिस भी बंदे को मेल करना है ना, सिंपली दोस्तों आपको उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने यहाँ पर एक दूसरा वाला जो ईमेल एड्रेस है वो हम टाइप कर लेते हैं। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां पे अपना दूसरा वाला ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया। और दोस्तों यहां पे जो सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल का एक ऑप्शन आ रहा है, दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब यही है कि सिंपली दोस्तों आप जिस बारे में मेल भेज रहे हैं ना, तो सिंपली आप उसका एक हेडिंग डाल दें। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पर इमेज का एक लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर इमेज मतलब शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर कंपोज मेल देना ज़रूरी नहीं है। अगर दोस्तों आप अपना एक मेल भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, तो सिंपली दोस्तों आप ऊपर में देख सकते हैं कि ये जो लोगो है ना, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। और दोस्तों आप अपनी गैलरी से फोटो चूज करना चाहते हैं तो अटैच फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, नहीं तो दोस्तों अगर आप ड्राइव से फोटो लेना चाहते हैं तो सिंपली आप ड्राइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों हमें गैलरी से फोटो लेना है तो सिंपली हम अटैच फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद में सिंपली दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपके जो रिसेंट वाला फोटो होगा ना, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर फोटोज़ में जा करके आप अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पे अपना कोई भी एक या दो मतलब फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अपना कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना एक ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट करा और उसके बाद में दोस्तों फिर से मैं वैसे ही उसी प्रोसेस से जा करके मैं अपना यहाँ पर एक दूसरा फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं एक ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। और दोस्तों जब ये फ़ोटो दोनों फ़ोटो जब सिलेक्ट हो जाए ना, और दोस्तों ऐसी बारी बारी करके आपको जितना भी फ़ोटो शेयर करना हो सिंपली आप ऐसे ही करके शेयर कर दें। और उसके बाद में दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि एक सेंड का ऑप्शन आ रहा है थ्री डॉट के बगल में, और दोस्तों यहाँ पर आप देख लें। और उसके बाद में सिंपली दोस्तों आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये सेंड लिख रहा है। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको एक बार चेक कर लेना कि गया या नहीं गया। तो दोस्तों आप यहां पे ऊपर में देख सकते हैं कि थ्री लाइन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको यहां पे एक बार क्लिक कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि एक सेंट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको यहां पे एक बार क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो दो दो इमेज भेजे हैं वो जा चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप भी किसी भी बंदे को इमेज कैसे भेज सकते हो अपने मेल से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।